बाड़ी थाना क्षेत्र के खड़गांव रोड स्थित मुदिता कंपनी के कुल 530 मोबाइल सील ट्रक से चोरी हुए थे। इस मामले में पुलिस ने 51 मोबाइल फोन जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 21 नवंबर को मुदिता कंपनी खड़गांव रोड दिल्ली और फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक कंपनी सोनब नगर वाड़ी नागपुर से आयशा ट्रक दिल्ली से समय और स्थान से आयशा ट्रक में नागपुर जा रहा था। एक अज्ञात चोर ने ट्रक का सील तोड़ दिया और अपने स्वयं के वित्तीय लाभ के लिए 77,96,282 के कुल मूल्य के 530 ओप्पो मोबाइल वाले 53 बॉक्स चुरा लिए। लिखित रिपोर्ट पर IPC की धारा 379 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जांच अधिकारी पोपानी साजिद अहमद ने यह भी कहा कि चोरी हुए मोबाइल फोन के IM का इस्तेमाल अपराध की जांच के लिए किया गया था। इसी से अर्जित मोबाइल क्रमांक 8451063519 के मामले में इसका SDR मोबाइल धारक का नाम बदलकर दलविंदर सिंह इकबाल सिंह कंफर्ट मार्केट मुंबई कर दिया गया था। इसी तरह जब लोकेशन निकाली गई तो मुंबई के कंफर्ट मार्केट के रूप में जाना जाने लगा। पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी पारिक एक नागपुर शहर के आदेश से मुंबई में CDR प्राप्त हुआ। आरोपी की लोकेशन से तलाश करने पर पता चला कि आरोपी कंफर्ट मार्केट अशरफी मॉल में है। आर्य नगर डाकघर के DBO आरोपी की गिरफ्तारी में सहयोग के लिए 2 अधिकारियों को भेजा। जब संदिग्ध को हिरासत में लिया गया तो उसकी पहचान दलविंदर सिंह इकबाल सिंह राव के रूप में हुई। इसी तरह जब उनसे उनके मोबाइल नंबर के साथ साथ उनके मोबाइल नंबर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 8451063519 कहा और इसकी पुष्टि की। चोरी के कुछ मोबाइलों में इसका इस्तेमाल होने के कारण आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। आरोपी से पूछताछ करते हुए उसने बताया कि ओप्पो कंपनी के एक मोबाइल सिद्धार्थ धनोरे को गिरफ्तार किया गया है। सिद्धार्थ विट्ठल धनोरे और संजय राजपत विश्वकर्मा को मालवणी मुंबई और उसके दोस्तों संजय विश्वकर्मा महादेव दशरथ चौहान दहीसर मुंबई को हमेशा की तरह बिक्री के लिए बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। CDR लोकेशन की मदद से उनके घर से उनके आवास को कब्जे में लेकर संबंधित थाने में सूचना देकर नागपुर लाया गया। आरोपी दलविंदर सिंह इकबाल सिंह मुंबई को चोरी का मोबाइल फोन खरीदने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और सिद्धार्थ विट्ठल मनोर और संजय राजपत विश्वकर्मा ने दलविंदर सिंह को चोरी का मोबाइल फोन बेचने की बात कबूल की थी। इस मामले में 530 मोबाइल चोरी, एक ओप्पो A157 नग 12,990 रुपए, टोटल 2 ओप्पो F191 12,990 रुपए, 3 ओप्पो कंपनी के A15 12 नग प्रति 12,900 रुपए, 1,55,880 रुपए, ओप्पो A55 कंपनी की 12 यूनिट्स की कीमत रुपए। इस मामले का आरोपी फिलहाल MCR है और अपराध की आगे की जांच पोपानी साजिद अहमद वाड़ी नागपुर शहर द्वारा की जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी, सहायक पुलिस आयुक्त MIT के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ललिता तोड़ा से, अपराध निरीक्षक भरत करहड़े, पोपानी साजिद अहमद, पोहवा सुनील मस्के, नपोशी प्रदीप ढोके, पोशी ईश्वर राठौर, पोशी हेमराज बेराल, पोशी सतीश, पोशी प्रमोद ने सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। दिनांक 24/11/2021 रोजी फिरियादीनामे अशफाक मुस्तफा खान यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन रिपोर्ट दिला की त्यांचा एक कंटेनर मधून माल चोरीला गेला आहे। सदर कंटेनर हा दिल्ली ते मुदिता कंपनी कार्यालय खड़गाव रोड नागपूर या ठिकाणी येणार होता, दिल्लीवरून येणार होता। त्याच्यामध्ये ओप्पो कंपनीचे 530 मोबाईल चोरी झाल्याचे त्यांनी सांगितले। सदर मोबाईलची किंमत होती 77,96,282 रुपये असे आम्हाला रिपोर्ट प्राप्त झाल्यानंतर आम्ही त्याच्यामध्ये तत्काळ गुन्हा दाखल केला आणि गुन्हा दाखल करून एकूण 530 मोबाईलचा आम्ही IMEI नंबर घेतले होते, ते CDR साठी टाकले। CDR मध्ये आम्हाला आमचे DCP ऑफिसमध्ये पोलीस कॉन्स्टेबल अश्विन आहे, त्यांनी CDR च्या माध्यमातून आम्हाला काही मोबाईल सुरू झाल्याचे सांगितले। त्यावरून आम्ही सुरू झालेल्या मोबाईलचा CDR काढून आणि त्याच्या SDR वरून आम्ही मुंबई या ठिकाणी पोहोचलो। मुंबई या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर ज्या दुकानदाराने सदरचे मोबाईल विक्री केले होते त्याचे नाव आहे दलबीर सिंग इकबाल सिंग, हा मुंबई साईन येथे राहतो। याच्याकडून आम्हाला माहिती मिळाली की त्यांनी सिद्धार्थ धनोरे आणि संजय विश्वकर्मा या दोघांकडून सदरचे मोबाईल विकत घेतलेले आहे। त्याच्याकडे 50-60 मोबाईल काहीतरी होते, ते त्यांनी विकत घेऊन विक्री केल्याचे सांगितले। वाडी से NBCN न्यूज के लिए सौरभ पाटील की रिपोर्ट।